बहुत पीपल ये रहता है कि हमको सिर्फ ब्रांच ही चाहिए, और बहुत पीपल रहता है कि नहीं मुझे NIT ही चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनको सिर्फ NIT चाहिए, ऊपर से टॉप NIT, हम लोग टॉप 4 या 5 NITs के अंदर देखेंगे, टॉप 4 ही है 5 के लिए। हाय गाइस, दिस इज विद द साइड एंड यू आर वाचिंग एडुकेटिव वीकी। सो आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनको टॉप NITs चाहिए, लेकिन उनका JEE का स्कोर कम आने वाला है या तो कम आ चुका है पहले वाले सेशन में ही, और काउंसलिंग होने वाला है। सो उनके लिए स्पेशल है कि कैसे टॉप NITs को कैसे ग्रैब करें विद लो JEE स्कोर। ठीक है, बहुत को पता नहीं, आज कोई भी फेक वाला बात नहीं है, ठीक है, जेन्युइन है। देखो यहाँ पे डेटा भी है सारा, ठीक। आपको टॉप NITs की बात करेंगे, वारंगल, कालीकट, ट्रिची, ये सब के बात करेंगे और देखेंगे कैसे ग्रैब कर सकते हैं यार वहाँ पे सीट। अगर आपका स्कोर बहुत भराई करता है, मीन्स आपको जनरल कैटेगरी में अगर 150 प्लस है ना, तब भी आपको मिल सकता है, कैसे वो सब जानेंगे। बिकॉज काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। काउंसलिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको एक छोटा सा मिस्टेक आपको ज़िंदगी भर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको पूरा ईयर बर्बाद हो सकता है। सो वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक कि आपको ये सभी पता रहे कि एक बैकअप प्लान की तरह आप इसे यूज़ कर सको अगर आपका स्कोर कम आता है तो, ठीक है। और बहुत क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि उनका क्या कॉलेज मिलेगा, भैया इतना स्कोर है क्या कॉलेज मिलेगा, तो यार कुछ भी रहता है तो मुझे कमेंट किया करो, मैं बताऊंगा उसका आंसर भी, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट करना, और ऐसा वीडियो आपको जानने के लिए, ये सब वीडियोस पता रहने के लिए, JEE मेन का हर एक अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको JEE मेन से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड जो मैं डालता ही रहता हूँ मिलता ही रहेगा आपको, सो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉप NITs, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे CET, ये जो है ना इसके बारे में, सी मीन्स कालीकट है, TET जरीची है, आर राउरकेला है। तो देखेंगे अगर जैसे कि यहाँ पे रैंक देखो 22K, 32K, 30K, 30K ये सब दिया हुआ है, ये मेनली आपको 20K प्लस ही है, किसी किसी में 20K और मैक्सिमम में 30K प्लस है, ठीक है, 30K प्लस है, 35K प्लस है, इतना आपका अगर रैंक भराई, इतना आपका रैंक आ रहा है, तब कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स जो आपको बहुत ही कम रैंक पे आपको मिल जाता है ईजिली, कोई टेंशन नहीं, आराम से आपका सेकंड टू थर्ड राउंड में ही मिल जाएगा, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहला नंबर आता है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस। वेट, एक बात मैं बता दूँ, अब आपको ये लग रहा होगा ये स्ट्रीम्स जो है, जो ऐसा नाम दिख रहा है, ये सब तो एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे मतलब कैंपसिंग का रेट बहुत कम होगा, या तो स्ट्रीम के बारे में उतना मीन्स इंडस्ट्रियल यूज़ होगा नहीं, तो कैंपसिंग कहाँ से आपको ये लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो देखो NIT है, सो ये ऊपर से टॉप NIT, हम लोग टॉप 4 या 5 NITs के अंदर देखेंगे, टॉप 4 ही है, 5 के लिए नहीं, 4 ही। सो जब टॉप NITs में आप रहोगे ना तो ब्रांच मैटर करता है, ऐसा बात नहीं ब्रांच मैटर नहीं करता, CSIT में रहोगे तो बहुत अच्छा कैंपसिंग है, बाकी सब उतना नहीं है, बट इसमें ये भी मैनेज करता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के सामने बैठ सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी जो है ना जाने का वो बढ़ जाएगा, पहला नंबर बात। और देखो यार बहुत पीपल ये रहता है कि हमको सिर्फ ब्रांच ही चाहिए, और बहुत पीपल रहता है कि नहीं मुझे NIT ही चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनको सिर्फ NIT चाहिए, उनको ब्रांच से फैक्टर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ब्रांच के लिए कर रहे हो तो ट्राई आपको करना ही पड़ेगा, इससे नहीं होगा, बिकॉज उसमें ब्रांच में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आज ब्रांच के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, इसका आपका वारंगल में NIT वारंगल में 22K प्लस तक भी गया है इसका कट ऑफ, ठीक है, 22K प्लस तक गया है, 32K प्लस तक कालीकट में गया है, और 30K प्लस तक त्रिची में गया है, इतना वराई करता है, मीन्स 20-30K प्लस तक, जनरल की बात कर रहे हैं, SC OBC का नहीं, SC OBC आप देख सकते हो और ज़्यादा जाएगा, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी भी 30K प्लस तक गया है राउरकेला और कालीकट दोनों में, राउरकेला में भी, कालीकट में 30K प्लस तक गया सर। सेरामिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 36K प्लस तक गया राउरकेला में, 36K प्लस तक। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें 35K प्लस तक गया है राउरकेला में, 35K मीन्स 35,000 के समझ में अगर नहीं आ रहा तो। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग 37,000 प्लस तक गया है राउरकेला में। केमिकल इंजीनियरिंग 23K प्लस, 23,000 प्लस तक गया है कालीकट में। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 30,000 टू 40,000 तक त्रिची में। तो हम लोग सिर्फ क्या देखें, कालीकट का देखें, त्रिची का देखें, वारंगल का देखें, राउरकेला का देखें, ये चार NITs का ही देखें, और ये सब टॉप NITs है। सो अगर आपको अगर सिर्फ NIT चाहिए तो ये सब में आप देख सकते हो, इसका रैंक अभी जो 2020 का होगा गारंटीड इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे हो सकता और डाउन हो जाए, बिकॉज जैसा समय है हो सकता है और डाउन हो जाए, यहाँ 22K है ना, हो सकता है ये बन जाए 30K तक,
ऐसा भी चेंजेस आपको मिल सकता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे कम नहीं होगा। ये मत समझो कि ये 22 के है तो एकदम पीछे आ जाएगा 15 के 16 के, वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आस्ते आस्ते इसका इंटरेस्ट घट गया, बट घट रहा है, बिकॉज तुम देखो पहले का आपका कट ऑफ 100 प्लस आता था, आजकल कट ऑफ 100 से नीचे आने लग गया, तो यही डिफर करता है। अब बात यहाँ ये आता है कि भैया हम कैसे डिफाइन करें, कैसे समझें ये सब मुझे मिल सकता है। तो अगर आपका 150 प्लस तक का अगर मार्क्स या 150 के आसपास भी मार्क्स है ना जनरल कैटेगरी में, तो आप आराम से ये सब स्ट्रीम में क्रैक कर सकते हो टॉप NITs में, आराम से, ठीक है। आराम से आपको मिल जाएगा 150 प्लस में। अगर 150 नहीं 140 भी है तो भी यारा करो, ठीक है। आपका रैंक यहाँ पे अगर आराम से आपका 36-40,000 तक में जाएगा। अगर 150 तक में है तो 30 के तक तो आराम से आ जाएगा। अगर 140-130 में रहा तो आपका थोड़ा वराई कर सकता है और ज़्यादा, ठीक है। 50 तक भी जा सकता है, 50 नहीं जाएगा 45 तक जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो सकता है मिल जाए आराम से, ठीक है। और भी बहुत सारा इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह में अगर जाओगे MTech प्लस BTech में, तो उसमें और ज़्यादा नीचे है, तो उसके बात नहीं कर रहा, सिर्फ BTech की बात कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अभी सबका काउंसलिंग शुरू होगा, सबको पता रहना जरूरी है। आप न्यू कैंडिडेट्स, सबको पता रहना जरूरी है, बिकॉज काउंसलिंग के पहले आप सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। क्लियर नहीं रहेगा तो आप उस पर डील नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप उस पर डील नहीं कर पाओगे, कैसे करना है, क्योंकि सबके लिए नया नया है। तो बस यही, अगर कुछ भी हेल्प लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो डाउट करना, सॉरी कमेंट करना, कुछ भी प्रॉब्लम अगर कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आराम से बताएंगे भी। और कुछ ज़्यादा आया, आपको ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत होगा, हाँ भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए मुझे जानना है, तो उसको भी कमेंट करना, जरूर वीडियो बनेगा। सो भैया आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स।